तो इस बार हम एसएसडी खरीदने नहीं जाएंगे, इस बार हम एसएसडी बनाएंगे, बनाते हैं। बोला था ना इस बार खरीदने नहीं जाएंगे, लगाते हैं फिर ये। हाँ जी, तो दिल्ली के लड़कों, तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे लैपटॉप लिए हुए अब हो गए हैं पूरे 2 साल, और 1 साल तक तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई, फिर 1 साल के बाद मुझे इसकी स्पीड थोड़ी कम लगने लगी। तो 2019 में मैंने इसमें 8 GB की एक और रैम स्टिक डलवाई, जो कि मुझे कुछ पड़ी थी 3000 रुपये की, और अब इसमें टोटल है 16 GB रैम। फिर 1 साल बाद और तक ये बढ़िया चला, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे इसकी स्पीड फिर स्लो लगने लगी। फिर अभी रिसेंटली इसमें एक दिक्कत हुई, दिक्कत ये थी कि इसका जो CPU था वो अपने आप 100% की स्पीड पे चल रहा था, 3.38 GHz, ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइज कर रहा था अपने आप, कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ नहीं था। तो मैंने इसको करा फिर फॉर्मेट और इसमें डाली न्यू विंडोज, उसके बाद इसकी स्पीड भी तेज हो गई और जो CPU की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। लेकिन अब मेरे को अपने लैपटॉप की स्पीड को करना था सुपर फास्ट, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने लैपटॉप में लगवाऊंगा NVMe SSD। तो मैं फिर निकला नेहरू प्लेस और उसी शॉप पर गया जहां से 2 साल पहले मैंने अपना लैपटॉप खरीदा था, Asus Eurotech Infosys। वहां पर हुआ क्या कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मेरे को बोला कि लैपटॉप खोलने के हम 600 रुपये लेंगे, चाहे आप SSD इसमें इंस्टॉल करवाओ या ना करवाओ। तो मैंने उन्हें बोला कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो भाई ये अभी लैपटॉप जो हमारा पीछे खुल रहा है, और ये उसमें ना क्या है ये जो है ना, ये वाली छोटी वाली SSD जो होती है इसमें 2 तरीके के वेरिएंट आते हैं, एक डबल कट एंड सिंगल कट। डबल कट जो होती है ना उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, और जो सिंगल कट होता है ना उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये किंगस्टन की 240 GB ये लेके आए हैं, इन्होंने बोला है कि ये पहले देखेंगे कि चेक करेंगे कौन सी वाली लगेगी, और मैं चाहता हूँ कि भाई सैमसंग की 970 EVO+ लगाना सिंगल कट वाली, लेकिन अब वो शायद लगेगी नहीं लैपटॉप में, तो देखते हैं भाई ये लगती है या नहीं, क्या कौन सी लगती है। अगली बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि SSDs 3 तरीके की होती हैं। नंबर 1 2.5 inch SATA SSD, नंबर 2 M.2 SATA SSD, एंड नंबर 3 जो कि मुझे चाहिए थी M.2 NVMe SSD। अब मैं आपको इन तीनों SSDs का डिफरेंस बता देता हूँ। जो 2.5 inch SATA SSD होती है वो फास्ट होती है, लेकिन थोड़ी थिक होती है और हार्ड डिस्क की शेप में होती है, बड़ी भी होती है। जो M.2 SATA SSDs होती हैं वो छोटी होती हैं और फास्ट होती हैं, लेकिन वो डबल कट वाली होती हैं, मतलब उनके चिप में 2 कट्स होते हैं। और जो M.2 NVMe SSD होती हैं वो अल्ट्रा फास्ट होती हैं, सुपर रॉकेट की तरह फास्ट, कि स्पीड भी बहुत तेज होती है, 3000 MBPS से रीड एंड राइट ऊपर ही होती है, और सिंगल कट वाली होती हैं। तो अब करते हैं बात अगली शुरू। तो देखो, मैं तो नेहरू प्लेस गया था ये सोच के कि मैं अपने लैपटॉप में सैमसंग की 970 EVO+ 500 GB लगवाऊंगा, जो कि थी वहाँ पर दुकान पे 7500 की। वहाँ दुकानदार ने मेरे को ये बोला कि आपके लैपटॉप में जो डबल कट वाली SSD लगेगी, सिंगल कट वाली नहीं लगेगी, और डबल कट वाली का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि उसकी जो स्पीड होती है वो 500 MBPS से ऊपर ही नहीं होती रीड एंड राइट, और मेरा काम है सारा एडिटिंग का, तो सुपर फास्ट मेरे को चीज़ें चाहिए। उन्होंने बोला कल एक कस्टमर आए थे, उनका भी सेम मॉडल था आपके जैसे ही, और उनके में डबल कट ही लगी थी, सिंगल कट नहीं लगी थी। तो मैंने दुकानदार को बोला आप एक बार मेरा लैपटॉप खोल के तो देखो, क्योंकि मेरे को सिंगल कट वाली ही लगवानी है, डबल कट वाली का मेरा क्या काम यार। तो दुकानदार ने फिर डबल कट वाली SSD मेरे लैपटॉप में लगा दी, और वो एक्सेप्ट भी हो गई। तो अब दुकानदार ने ये बोला कि इसमें सिंगल कट वाली नहीं लगेगी, क्योंकि अगर उस मदरबोर्ड में जो स्लॉट है वहाँ पे अगर सिंगल कट वाली लगनी होती तो डबल कट वाली एक्सेप्ट ही नहीं होती, तो अब आप भूल जाओ सिंगल कट वाली। तो देखो इधर एक ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट ये हुआ कि मेरे को अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड में दिखा सिंगल कट का स्लॉट, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें सिंगल कट वाली NVMe SSD एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैंने दुकानदार को बोला कि भाई जैसे आपने रेफरेंस के लिए इसमें डबल कट वाली SSD कहीं ना कहीं से आपने मंगवा के इसमें लगा के देख ली, वैसे ही मेरी तसल्ली के लिए एक बार सिंगल कट वाली सैमसंग की या कोई भी सिंगल कट वाली SSD आप लगा के देख लो, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए, क्योंकि मेरे को सिंगल कट वाली लगवानी है, क्योंकि डबल कट वाली आप बोल रहे हो और उसकी जो स्पीड है वो 500 MBPS से ऊपर होती ही नहीं है, मेरे किसी काम की ही नहीं है। तो देखो उसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को बोला कि मैं सैमसंग की SSD अपने गोडाउन से या कहीं से भी दूसरी दुकान से मंगा तो दूंगा और लगा भी दूंगा, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुई तो मैं इसे वापस नहीं लूंगा, 7500 की SSD वापस नहीं लूंगा वो कह रहा था। तो मैं उसका क्या करता, तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना मेरा हुआ मूड ऑफ, मैंने उसको बोला अगर ये सैमसंग की SSD 7500 की मेरे लैपटॉप में नहीं लगेगी तो मैं उसका क्या अचार डालूंगा,
मैंने फिर दुकानदार को उसके दिए 600 रुपये लैपटॉप खोलने के, और मैं लैपटॉप को लेकर आया अपने घर। मैंने करी फिर ऑर्डर WD की NVMe SSD 500 GB। तो आप मेरे से ये पूछोगे कि दिल्ली के लड़के तेरे को तो सैमसंग की SSD चाहिए थी, फिर तूने WD की ऑर्डर क्यों करी? तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं अभी श्योर नहीं था कि मेरे लैपटॉप में सिंगल गिट वाली SSD चलेगी या नहीं, और Amazon स्टोरेज की किसी भी चीज़ को रिटर्न नहीं लेता। ऑफिस में मेरे दोस्त को भी SSD खरीदनी थी अपने PC के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि अगर सिंगल कट वाली तेरे में चल गई तो ठीक है, वरना मैं तो रख ही लूंगा। लेकिन उसे WD की खरीदनी थी, सैमसंग की नहीं, क्योंकि उसने मेरे को एक एग्जांपल दिया। वो एग्जांपल ये था कि तेरी गाड़ी अभी हार्ड डिस्क पर 20 की स्पीड से चल रही है, और अब WD की SSD के बाद 80 पर चलेगी, और सैमसंग के बाद 100 पर। 80 और 100 की स्पीड में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन 20 और 80 की स्पीड में बहुत फर्क है। सैमसंग वाली WD से 2500 महंगी भी थी, पैसों में बहुत फर्क था लेकिन स्पीड में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो मैंने उसे बोला कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब SSD खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए, ऐसे तो SSD आ नहीं जाएगी, निकालते हैं। पूरा डेबिट कार्ड निकाला है, देखो चलो फिर। तो मेरे को तो लैपटॉप खोलना आता नहीं था, तो मेरे दोस्त ने ही ये कार्यक्रम करा और सिंगल कट वाली SSD इंस्टॉल भी कर दी, और वो एक्सेप्ट भी हो गई। तो मेरे को दो चीजें पता चली। पहली ये, मेरे लैपटॉप को जो मदरबोर्ड है और जो उसमें SSD का स्लॉट है वो यूनिवर्सल है, और वो दोनों SSDs को एक्सेप्ट करता है। और दूसरी ये कि दुकानदार ने मेरे को WD डबल कट वाली SSD का प्राइस बोला था 6700, और जो मैंने अभी ऑर्डर करके मंगवाई है WD की सिंगल कट वाली जिसकी स्पीड ज़्यादा है, उसका तो दुकानदार शायद 7500 ही प्राइस बोलता है, जो कि सैमसंग वाली का है। तो मैं फटाफट दुकान के बाहर गया और Amazon खोला, उसमें प्राइस चेक करा, तो उसमें प्राइस था 5100 रुपये। तो मैं फिर अंदर गया, लैपटॉप बंद करवाया और आ गया घर। तो अब हम लैपटॉप की बिफोर एंड आफ्टर स्पीड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बूट अप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो। देखो कॉन्क्लूजन ये है कि मैंने इस लैपटॉप में धीरे धीरे अपग्रेड्स करें, ये नहीं कि एक ही बारी में सब चीज़ लगा दी। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं, जैसे रैम से क्या होता है, SSD से क्या चेंज होता है। अब मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप मार्केट में नया लैपटॉप लेने निकले हो तो एक बार ये दो चीज़ें चेक कर लेना कि उसमें SSD NVMe हो और 16 GB रैम हो, या अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है और वो स्लो हो गया है और आपको अपग्रेड करना है, तो पहले अपने लैपटॉप में लगे हुए मदरबोर्ड के बारे में पता करो, गूगल से पढ़ लो, और उसमें ये देखो कि उसमें SSD या रैम अपग्रेड हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। दुकानदार को ये भी बोला था कि आप अपने किसी इंजीनियर से ये पूछ लो कि क्या मेरे लैपटॉप में सिंगल कट वाली SSD एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उसने मेरे को बोला, सर मैंने अपने इंजीनियर से ही पूछा है, वो बोल रहा है कि अगर आपके स्लॉट में डबल कट वाली SSD एक्सेप्ट हो गई है तो सिंगल कट वाली SSD एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मैं तो देखो ये समझ गया कि नेहरू प्लेस के सेल्समैन और इंजीनियर्स कैसे हैं, दो तीन चीज़ें सीख लेते हैं और दुनिया भर का गलत ज्ञान कस्टमर्स को देते रहते हैं।